इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 8:30 रात के और अभी हम लोग केक बनाने वाले हैं। एक्चुअली आप लोगों को कल ही बताया मैंने, सब सारा केक का सामान आ चुका है घर पे और जो बचा हुआ था कल जो लाया नहीं था वो भी हम लोगों ने लाया है आज, तो ये ही लेके आए हैं। तो इसी वजह से, और यहाँ पर बाल बैठी है मेरे क्योंकि अभी शाम की क्लीनिंग की, उसके बाद नहाया, इतनी धूल मिट्टी आ गई थी बालों पे कि बाल वॉश करने पड़े, इसीलिए मैंने आज हेयर वॉश किया है अभी। और आप लोगों ने बोला था कि ये वाला ड्रेस पहनना, तो इसीलिए ये ब्लैक वाला ड्रेस पहन लिया है क्योंकि, और हाँ खराब हो जाएगा तो मुझे एप्रन पहनने का याद नहीं रहता है, दो दो एप्रन है मेरे पास फिर भी याद नहीं रहता, तो एप्रन पहन लूंगी मैं अभी। और हाँ, जो चीज़ें दिखानी थी मुझे आपको कल, जो चीज़ें लाई थी केक की, तो वो सारा सामान दिखा देती हूँ आपको पहले और उसके बाद फिर केक बनाना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर। और हाँ, ये ड्यूटी गए हैं, जब तक आते हैं तब तक हमारा केक बन जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये आएंगे और इनके सामने केक बनाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए उनको सरप्राइज देने के लिए ये केक हम लोग बना के रखेंगे पहले ही। हम लोगों ने ना अभी तक वो सारी चीज़ें सैनिटाइज करने में ही हमारा टाइम चला गया, तो पूरी चीज़ें सैनिटाइज की, उसके बाद ये चीज़ें अभी यूज होगी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ पहले और फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे। माही ने देखो ये सारी चीज़ें लगा के भी रख दी है, ये यहाँ पर है बीटर, ये केन का बीटर लाया है, ये एक्चुअली बहुत महंगा आया है। और ये है नाइफ दो तरह के, एक स्पैचुला है ये मतलब क्रीम ये करने के लिए और दूसरा ये कट करने के लिए, और ये मेजरमेंट कप उस दिन डीमार्ट से लाए थे वो है ये, यहाँ पर ये कार्डबोर्ड है, उसके बाद ये है जो बटर स्कॉच के ऊपर, बटर स्कॉच केक बनाने वाले हैं आज तो बटर स्कॉच केक के ऊपर जो डालते हैं वो क्रंच है, उसके बाद ये स्पून्स है, ये टीन है, इसके बाद ये वाला एक टीन है, और इस तरह से कार्डबोर्ड जो है वो दो चार लाए, चार पांच लाए हैं, और ये जो है ये केक का जो कोन आता है वो है यूज एंड थ्रो वाला, ये ब्लेड्स है, और उसके बाद यहाँ पर सारे क्या बोलते हैं जो नोजल है वो है, उसके बाद ये इसेंस वगैरह है, उसके बाद जो डेकोरेशन वाला जो बॉल्स रहते हैं वो है, और ये सारी चीज़ें लाई है कल, और सिर्फ केन का ये जो बीटर है वो आज लाया है इन्होंने, और क्या लाया है आज क्रीम है, विप क्रीम, और क्या बोलते हैं डार्क कंपाउंड बोलते हैं, तो वो डार्क कंपाउंड है, और बस ये सारी चीज़ें लाई है। और इसमें प्रीमिक्स है, चॉकलेट प्रीमिक्स और वनीला प्रीमिक्स, तो प्रीमिक्स से बहुत अच्छा केक बनता है और बहुत इजी भी जाता है केक बनाने के लिए, तो इसी वजह से ये प्रीमिक्स वनीला प्रीमिक्स है, और दो वनीला के लाया है पैकेट एक एक पाव के, और दो चॉकलेट के लाया है एक एक पाव के, और ये सारे इसेंस वगैरह लाए हैं, जो अभी काम के आया है वही लाए हैं, बाकी के बाद में लेके आएंगे। और ये जो है ये केक राउंडर है, मतलब केक को डेकोरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये है, और सारी चीज़ें हम लोगों ने लाई है, जो चीज़ें अभी के काम की है वही लाई है, और जो मतलब बाद में अगर केक बनाना हो तो बाद में हम लोग चीज़ें ला सकते हैं, जो जो मेन मेन है वही अभी लाई है, और जो केक के लिए लगता है वो प्रीमिक्स तो हमारे पास हो गई, और सिर्फ इसेंस वगैरह लाने पड़ेंगे और डेकोरेशन का सामान लाना पड़ेगा बाद में, जो जो हम लोग केक बनाएंगे बाद में तो वो सारा सामान लाना पड़ेगा, तो वो तो हम लोग बाद में भी लेके आ सकते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी लाई है। चलिए केक बनाना स्टार्ट करते, नहीं तो ये फिर आ जाएंगे ड्यूटी से और उनका सरप्राइज मतलब सरप्राइज नहीं रहेगा फिर, तो चलिए जल्दी से केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सब ने केक की रेसिपी के लिए बोला था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करती हूँ, और मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ, और फर्स्ट टाइम बना रही थी तो थोड़ा सा ये चीज़ें तो होती ही है, तो ऐसे करके ये प्रीमिक्स मैंने इसमें डाल दिया है छन्नी में, और इसे अच्छे से छान लूँगी ताकि इसमें से जो एयर है वो निकल जाए।
और उसके बाद मैं 2 टेबलस्पून उसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करना है आपको 2 टेबलस्पून। मैंने 1 पाव इसमें ये लिया है प्रीमिक्स, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। और उसके बाद हमें ये पानी से बैटर बना लेना है इसका। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपको, एकदम से ज़्यादा पानी डालना नहीं है, नहीं तो फिर वो एकदम से पतला हो जाएगा। इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है उसमें, और ये प्रीमिक्स जो है उसका बैटर बना लेना है। और अगर प्रीमिक्स से आप बनाते हो ना, तो प्रीमिक्स से बहुत ईजी जाता है बनाना, नहीं तो फिर उसमें मैदा लो, मैदा छानो, उसके बाद सारी चीज़ें करो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाता है। और प्रीमिक्स में वो कम ज़्यादा होने का चांस नहीं रहता है, मतलब जो अपना बेस है वो अच्छा बनने का, मतलब वो गारंटी रहती है कि अच्छा ही बनेगा। तो इसी वजह से सिर्फ आपको प्रीमिक्स जो बनाने का तरीका है वो सही रखना है। और बस यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया है पैन को ऑयल से, उसके बाद मैंने उसमें मैदा छिड़क दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर डाल सकते हो, बट मेरे पास नहीं था, तो मतलब भूल गई थी लाना, तो इसी वजह से सारा कुछ लाया और बटर पेपर ही भूल गई थी। होता है ऐसा पहले पहले, तो इसी वजह से मैंने मैदा छिड़क दिया। उसके बाद वो मैदे से अच्छे से वो कर लिया, निकाल दिया मैदा एक्स्ट्रा जो था, और उसके बाद जो अपना ये है बैटर है उसमें डाल दिया। और ये ना इवनली स्प्रेड करना है, तो इस तरह से इसके बबल निकल जाने चाहिए, तो इसी तरह से आपको टैप टैप करना है थोड़ा सा, और उसको अच्छे से इसके बबल निकाल लेने हैं सारे। और बबल्स निकल जाने के बाद इस तरह से आपको ये प्लेन कर देना है। प्लेन कर देने के बाद माइक्रोवेव मैंने पहले ही प्रीहीट करने के लिए रखा था, तो ये प्रीहीट कर लिया है। मेरा कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, ये IFB का 20 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव है। तो इसके वजह से अगर इसमें आपको केक कैसे बनाते हैं वो सीखना है, तो मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो केक की वीडियो देखने के लिए, तो आप आगे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये तो पहला ही केक था मेरा इसी वजह से, और अच्छा बना था। एक्चुअली मैं खुद की तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, सभी लोगों ने तारीफ की, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको भी बता देती हूँ और रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले मैंने शूट कर लिया रेसिपी, बट मेरा मन नहीं कर रहा था रेसिपी, मैंने सोचा था कि अगर अच्छा बना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं शेयर करूँगी। बट बहुत टेस्टी बना था यार, इतना स्पॉन्जी बना था ना केक, आपको क्या बताऊँ, और बहुत ही टेस्टी बना था केक। तो इसी वजह से ये बोले कि नई रेसिपी शेयर कर दो, क्योंकि एकदम मार्केट जैसा लग रहा था, मार्केट का केक फेल पड़ रहा है बोल रहे थे कि आपके ये केक के सामने। तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम सन ली है, मैं आपसे बातें करते ना बहुत आगे आगे चली जाती हूँ। उसके बाद आपको व्हिप क्रीम बोल में निकाल लेनी है, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उतनी निकाल लेनी है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेना, नहीं तो फिर बाद में और बहुत टाइम लगता है इसके लिए, इसी वजह से थोड़ा सा पहले ही ज़्यादा बनाना। और जब व्हिप क्रीम आप बोल में निकालोगे ना, उससे पहले आपको शेक करना होता है, तो शेक कर लेना पहले जैसे मैंने किया था, उसके बाद आप बोल में निकाल लेना, थोड़ा सा बड़ा ही बोल लेना, मेरी तरह गलती मत करना, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। तो बोल ले लेना एक बड़ा सा, उसके बाद ना फर्स्ट स्पीड पे आपको पहले चला लेना है, और इसके बाद आपको स्पीड बढ़ानी है। तो उसके बाद आप स्पीड बढ़ाओगे ना, तो इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा, और जब ये पलटा के आप देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जब ये नहीं गिरेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी व्हिप क्रीम बन गई है। तो यहाँ पर हमारी व्हिप क्रीम बन गई थी, मैंने पलटा के देखा था तो वो नहीं गिर रहा था। तो इस तरह से गाढ़ी सी व्हिप क्रीम आपको लगेगी केक के आइसिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने व्हिप क्रीम बना ली है। उसके बाद यहाँ पर मैं शुगर सिरप बना रही हूँ। तो शुगर सिरप बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें शुगर पाउडर बना लेनी है। शुगर पाउडर बनाने के बाद हमें क्या करना है, जितनी हम लोग शुगर ले रहे हैं, जितनी शुगर पाउडर ले रहे हैं, उससे दुगनी क्वांटिटी में हमें पानी लेना है। तो पानी पहले बॉईल करना है, उसके बाद उसमें शुगर ऐड कर देनी है। जैसे कि हम लोग अगर 2 चम्मच शुगर ले रहे हैं, 4 चम्मच हमें पानी ले लेना है, और उसमें ऐड कर देनी है शुगर, मतलब गर्म पानी में, और इसे घोल लेना है, और बस फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर मेरा केक बन के रेडी था, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है केक, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था और बहुत फुला भी था। उसके बाद हमें केक को ठंडा होने के लिए रख देना है। और जो मैंने व्हिप क्रीम बनाई थी वो मैंने फ्रीज़र में रखी थी, ताकि ये मेल्ट ना हो, इसी वजह से इसे मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। और उसके बाद मैंने एसेंस ऐड किया है, क्योंकि हम लोग बटर स्कॉच केक बनाने वाले हैं, इसी वजह से बटर स्कॉच एसेंस ऐड किया है। और उसके बाद मैंने लेमन कलर ऐड किया है, लेमन कलर जो येलो कलर होता है वो ऐड किया है। और इसको अच्छे से क्रीम को अभी फेंट लेना है आपको एक बार दोबारा, क्योंकि हमने उसमें कलर ऐड किया है तो वो सारा मिक्स हो जाना चाहिए, तो हमें अच्छे से उसको फेंट लेना है। और इसके बाद ना हमें और उसे फ्रीज़र में रखना है, और कलर ना आपको अपने हिसाब से ऐड करना है, जितना आपको येलो चाहिए, मतलब डार्क येलो चाहिए या लाइट येलो चाहिए, इस तरह से आपको कलर को ऐड करते जाना है इसमें, और अच्छे से फेंटते जाना है।
तो इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका विप क्रीम, और क्रीम तो टेस्टी बनेगी ही, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। आप केक पे डिज़ाइन बनाओगे, आइसिंग करोगे, तो वो बहुत अच्छे से बनेगी। तो कोई भी डिज़ाइन आप इससे बना सकते हो। इस तरह से विप क्रीम हमारी रेडी थी। तो जब भी विप क्रीम आप बनाते हो तो बाहर न मत रखना, फ्रीज़र में ही रखना। तो बस इस तरह से मैंने फ्रीज़र में रख दी थी ढक्के, और उसके बाद ये यहाँ पर मैंने केक को बीच से काट लिया है। मतलब उसके दो लेयर बनाने के लिए हमें उसे बीच से काटना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा अगर बड़ा होता तो मैं तीन लेयर बनाती, बट यहाँ पर दो ही लेयर बन रहे थे, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये पतला बना था और बहुत बड़ा टीन था, और हमने एक पाव का ही वो बैटर लिया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये पतला बना था, इसीलिए दो ही लेयर बने थे इसके। तो इस तरह से आपको दो लेयर बना लेने हैं इसके, और जितना आप बैटर बनाओगे ना उतना बड़ा बनेगा और उतने लेयर भी बनेंगे। तो यहाँ पर दो लेयर बने थे, तो मैंने जो शुगर सिरप बना के रखा था वो मैंने अच्छे से उस पर स्प्रेड कर दिया है, ताकि आपका जो केक है वो उसे सोक कर ले और आपका केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बने। तो शुगर सिरप आपको अच्छे से उसमें ऐड करना है, मतलब लगा लेना है हर जगह पे, तो शुगर सिरप वो सोक कर लेगा। उसके बाद आपको ये जो क्रीम है, विप क्रीम आपने बनाई है, वो स्प्रेड कर देनी है। तो इस तरह से आपको इवनली स्प्रेड करनी है, मतलब स्प्रेड करने के बाद आपको इवनली उसे ये करना है, मतलब लेवल करनी है उसकी। तो इस तरह से आपको अच्छे से लेवल कर लेनी है उसकी। और मेरा पहले बार था, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा था यार कि मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था कि मुझे मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ मैं केक। बट आप लोगों को पता ही है कि मैंने पहले, इससे पहले जब केक बनाया था तो मेरा फेल हो गया था, तो इसी वजह से मुझे ये नहीं लग रहा था लेकिन कि ये फेल हो रहा है, कि यार मैं पहली बार बना रही हूँ। बहुत अच्छा भी बना था और मैं झिझक भी नहीं रही थी ऐसे बनाने के टाइम, तो मैं एकदम से फ्री होके बना रही थी। जब आप फ्री होके कोई चीज़ बनाते हो ना, तो आपके मन में जब डर नहीं रहता है ना कि ख़राब होगा ख़राब होगा, तो आपका सच में अच्छा बनता है। अगर आपके मन में डर रहता है ना कि यार ख़राब होगा ख़राब होगा, तो आपका बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। मेरे पहले ना वैसे ही होता था कि नहीं मुझे आएगा ही नहीं केक। अभी मेरा ये था कि नहीं मुझे बनाना है तो बनाना ही है, मुझे सीखना है, तो ये करके मैंने अभी किया ना, तो बहुत टेस्टी भी बना था और डिज़ाइन में भी बिल्कुल झिझक नहीं हो रही थी मुझे कि यार मैं कौन सी डिज़ाइन डालूँ। जो मन में आई वो मैंने डाल दी यहाँ पर। ये डिज़ाइन लेकिन मैंने देखी हुई थी इसी वजह से, तो थोड़ा सा मैंने क्लिप देखा था इस डिज़ाइन का, मतलब पूरा नहीं देखा था, कि नोज़ल कैसे यूज़ करते हैं वो देखा था मैंने। तो इस तरह से ये वाला मैंने ये जो डिज़ाइन है अपने मन से बना लिया है। उसके बाद मैंने जो डेकोरेशन है वो भी अपने मन से ही किया था, मतलब जैसे जैसे मुझे लगा वैसे वैसे मैं करती गई। मुझे लगा कि चलो जाने दो, जो होता है वो होने दो, और ये जो बॉल्स है वो मैंने लगा दिए हैं। ये बॉल्स ना, मतलब ये जो क्रंच है वो मैंने जो दिखाया आपको, वो बटर स्कॉच के क्रंच मिलते हैं बाहर, तो मार्केट में मिल जाते हैं जहाँ पर आपको सारा केक का सामान मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्रंच डाल दिए हैं, क्योंकि क्रंच भी डालने होते हैं, और बीच में भी लेयर में मैंने क्रंच डाले थे तो आपको बताना ही भूल गई, तो आपने देख ही लिया है जैसे मैंने किया है। ये जो नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टार नोज़ल है, तो स्टार नोज़ल से इस तरह से फ्लावर बना ले रही हूँ ऐसे। तो बस ये मोदक के जैसे इसे रखते हो वैसे आपको प्रेस करना है, और थोड़ा सा उठा लेना है इसे, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो, तो इस तरह से करना है, और बहुत अच्छा शेप आता है इसका। इसके बहुत सारे अलग अलग शेप भी बना सकते हो आप, मतलब डिज़ाइन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। आपको एक बार नोज़ल यूज़ करना आ गया ना, तो अपने हिसाब से उसको चलाना भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। मेरा भी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ जाता था ज़्यादा, कभी कभी मैं नीचे करने की कोशिश करती थी ना तो ऊपर ज़्यादा आ जाता था, तो इस तरह से मैंने फिर बाद में उसे वो सिल्वर बॉल्स की वजह से वो दबा दिया था। और हाँ, ये जो साइड को कवर करने के लिए भी मैं स्टार नोज़ल ही यूज़ कर रही हूँ, ये पत्ती की शेप में मैं इसकी डिज़ाइन बना रही हूँ। और बस इसी तरह से मैं बना रही थी, तो माही को भी लगा कि मैं भी बनाऊँगी मम्मा, तो इसीलिए उसने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा बना के देखूँ कि मम्मा, तो उसको नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैंने उसके हाथों से ले लिया। मुझे लगा था कि थोड़ी सी इससे केक बिगड़ना नहीं चाहिए आज का, और आज का जो केक है मतलब बर्थडे के दिन का, वो माही बनाने वाली है। मैंने उसको बोला कि आप अपनी कसर निकाल लो पूरी, मतलब बेस से कि आप पूरा डेकोरेशन वगैरह आप खुद ही करो उस केक का, तो इसी वजह से वो ना आज खुद केक बनाने वाली है, और वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, थोड़ी थोड़ी क्लिप उसकी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरा केक बन के रेडी, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, और सभी को नहीं लग रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है ये केक। एक्चुअली दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, बट टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बना था, इसी वजह से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना आपको अच्छा लगा है, और लाइक तो बनता है यार केक के लिए, लाइक जरूर कर देना। तो गाइज हमारा केक बन के रेडी है, एक्चुअली पहली बार बनाया है बट अच्छा बनाया है।
और आप लोग बताना कैसे बनाया है, और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है कि पहली बार बनाने के बाद भी अच्छा बना है केक। तो चलिए अभी थोड़ी देर में केक कट करेंगे, थोड़ी देर में मिस टाइम है अभी। और ये आ गए हैं, इनको हमने केक नहीं दिखाया है, और अभी डायरेक्ट इनके सामने केक लेके जाएंगे और इनका रिएक्शन देखेंगे इसके बाद कि कैसा है। तो फ्रिज में रख दिया है मैंने केक सेट होने के लिए अभी। तो चलिए अभी पहले डेकोरेशन करती हूँ, वहाँ पर बलून फूट रहे हैं। एक्चुअली जब तक मैं केक डेकोरेट कर रही थी तब तक श्रीकांत और माई डेकोरेशन करने लग गए थे। आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ वहाँ का, मतलब क्या चल रहा है, और मैं भी उनके साथ लग जाती हूँ डेकोरेशन करने, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं एक्चुअली, क्योंकि घर में कुछ जगह ही नहीं है और सिर्फ बेडरूम बची है, तो वहाँ पर ही जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा, और बेड पर ही करना पड़ेगा जो भी, क्योंकि आजू बाजू में पूरा यही है। यहाँ पर मैंने सब्जी गर्म करने के लिए रखी है, तो आजू बाजू में तो सारा कुछ अजीब सा ही है, तो इसी वजह से सिर्फ बेड पर ही डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए जो भी होगा वो आप फाइनल रिजल्ट देख ही लोगे। तो यहाँ पर माही और श्रीकांत ने मिलकर डेकोरेशन किया था, और डेकोरेशन कुछ ज़्यादा नहीं किया था यार, यही हैप्पी बर्थडे वाला लगा दिया था, उसके बाद वो स्टार वाली जो लाइटिंग है वो लगा दी थी, फेरी लाइट, और उसके बाद ये जो थोड़े से बलून्स थे वो फुला लिए थे, क्योंकि इतनी ही जगह थी और इतनी जगह में कुछ और डेकोरेट नहीं हो सकता था, हो सकता था बट इतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि क्लीनिंग और उसमें वो सारा चीज़ें करने के बाद वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नीचे भी पूरा क्लीन करना पड़ा, उसके बाद सारा कुछ, तो ऐसे डेकोरेट हमने किया था। यहाँ पर इतना बेड ही डेकोरेट किया था, उसके बाद जो पीछे है आप देख सकते हो इस तरह से, और ये जो स्टार वाली फेरी लाइट है वो मैंने अमेजोन से ली है, अगर आपको लिंक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप चेक कर लेना। तो चलिए अभी इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, केक कट होगा। तो गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, और अभी आ रही है मुझे नींद बहुत जोरों की, क्योंकि आंखें ऐसे जल रही है मेरी आज, और एक मिनट। चलिए फिर अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, स्किन केयर करना है मुझे, कपड़े चेंज करने हैं, सोना है फिर उसके बाद। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और एक केक के लिए तो लाइक बनता है यार, केक के लिए लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि यार मैंने सच में थोड़ा अच्छा केक बनाया है, क्योंकि इन्होंने भी तारीफ़ की, इन्होंने भी बोला कि यार सच में अच्छा केक बनाया, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो उनको टेस्ट में भी पसंद आया और दिखने में तो पसंद आना ही था, क्योंकि पता नहीं कैसे, मतलब पहली बार डेकोरेशन किया मैंने बट अच्छा बनाया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना मत भूलिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है तो, और इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।